Hey, good morning, friends. You know, everybody knows that practice makes a man perfect. अभ्यास करने से व्यक्ति परफेक्ट बनता है. एक बार फिर से हम आपके बीच वोकैबुलरी वर्ड्स पे एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये सिनोनिम्स पे आधारित है. आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है. ये एवरी क्वेश्चन, ये टॉप 10 क्वेश्चन है और ये किसी न किसी साल पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आप एक बार फिर से देखिए और क्या कर पाते हैं, थोड़ा कोशिश करिए और आपके कितने सही हुए. जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको कमेंट करके लिखना है कि आपके कितने सही हुए. ठीक है, पहला है कॉन्ट्रैबैंड. कॉन्ट्रैबैंड मींस इसके चार वर्ड्स दिए हुए हैं, इनलीगल गुड्स, कस्टम्स, इंस्पेक्टर, मनी बेल्ट, लैटिन म्यूजिकल ग्रुप. मीनिंग तो समझ में आ रहा है. कॉन्ट्रैबैंड यहां बैन से समझिएगा, जो चीजें बैन लगाई जाए. पहला होगा इनलीगल गुड्स, ठीक है, बहुत सिंपल है. कस्टम्स इंस्पेक्टर नहीं होगा, मनी बेल्ट नहीं होगा, लैटिन म्यूजिकल ग्रुप नहीं होगा. कॉन्ट्रैबैंड मींस इनलीगल गुड्स. अगला देखते हैं पैंसिव. बहुत ही शानदार ये वर्ड है. पैंसिव क्या होगा? एवरिशियस, सेरेमोनियस, कॉन्टेम्पलेटिव और प्रिसाइज. प्रिसाइज मीन्स होता है खास, एक सेपरेट. अगला है कॉन्टेम्पलेटिव. तो इसका सिनोनिम, पैंसिव का सिनोनिम होगा कॉन्टेम्पलेटिव. ठीक है, कॉन्टेम्पलेटिव और ये थोड़ा सा है डिफरेंट, पर यही होगा. अगला है एबोमिनेबल. एबोमिनेबल मीन्स घृणा योग्य, जिसे हम हेट करते हैं, घृणा करते हैं. ओरिजिनल, ओरिजिनल चीज. डिटेस्टेबल, प्रेफरेबल, कॉम्प्लीमेंट्री. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री तो सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा. यहां लिख रहा है एबोमिनेबल, इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, है ना. और ये देखिए प्रेफरेबल, जिसको आप प्रेफर करते हैं यानी उसको लाइक करते हैं, तो ये भी अपोजिट है. डिटेस्टेबल, जिसे आप घृणा करते हैं, आ जाएगा इसमें डिटेस्टेबल. ठीक है, तो एबोमिनेबल का जो घृणा के योग्य हो उसी को हम डिटेस्टेबल कहते हैं. डिटेस्टेबल, जिसको आप घृणा करें या ना पसंद करें. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्ड्यूरेट. ऑब्ड्यूरेट के क्या क्या चार ऑप्शन है? फ्लेक्सिबल, स्टबोर्न, होपफुल, रिमोर्सफुल. रिमोर्स मीन्स पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप योग्य हो गया. अगला है होपफुल, उम्मीद के योग्य. स्टबर्न, हठधर्मी और फ्लेक्सिबल, जो परिवर्तित हो सके. अब देखिए ऑब्ड्यूरेट मीन्स होता है हठधर्मी, यानी इसका होगा स्टबर्न. स्टबर्न मीन्स ऑब्ड्यूरेट. ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. अगला है इंट्रिकेट. इंट्रिकेट मैनर, मैनर के साथ इंट्रिकेट यूज करते हैं, है ना. देखिए इसके ऑप्शन है इनएफिशिएंट, कॉम्प्लिकेटेड, हिस्टोरिकल, अनसर्टेन. एक्चुअली देखिए अनसर्टेन मीन्स होता है अस्थिर, जो सर्टेन ना हो, अस्थिर हो. अगला है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक. कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा जिसको कहते हैं. और इंट्रिकेट मैनर भी कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, इनएफिशिएंट, जो एफिशिएंट ना हो, पर्याप्त ना हो, तो ये होगा नहीं. इंट्रिकेट का कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, अगला देखिए ब्यूटीफुल, बहुत शानदार है, ये तो सब लोग जानते हैं. ब्यूटीफुल सुंदर, इसमें हैंडसम, एल्यूरिंग, अपीलिंग, अल्ट्रा अट्रैक्टिव. देखिए सभी का मीनिंग एक ही जैसा है, लेकिन जो ज्यादा क्लोज होगा उसी को माना जाएगा, जो ह्यूमन बीइंग के लिए लग रहा है. तो ब्यूटीफुल और हैंडसम ये सेम वर्ड है, दोनों एक साथ यूज किया जा सकते हैं. लेकिन एल्यूरिंग अलग चीज है. एल्यूरिंग मीन्स भी आकर्षित तो करने वाला है. अपीलिंग मीन्स जो हमें अपील करता है, हमको उकसाता है. अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित करने वाला, लेकिन जरूरी नहीं है. हैंडसम व्यक्ति के लिए यूज होता है, ठीक है, और ब्यूटीफुल भी. देखते हैं अगला लैक्स. लैक्स मीन्स होता है कमी, है ना, लैक्सिटी, लैक्सियस ऐसे यूज करते हैं. केयरलेस,
डिक्लाइन रूथलेस घास्टली, ठीक है। अब देखिए लैक्स का तो पहला ही मिल गया, केयरलेस, जो व्यक्ति केयरलेस हो कहते हैं बहुत लैक्सिकल है, लैक्सिटी, अरे उनमें बहुत लैक्सिटी है, तो लैक्स का केयरलेस हो जाएगा, है ना। डिक्लाइन रूथलेस और घास्टली ये सब डिफरेंट वर्ड है, ये लैक्स से मिलते जुलते नहीं है। हालांकि डिक्लाइन मीन्स होता है किसी चीज को मना करना, हा? या नॉट एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट ना करे, जैसे बैंक से पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। रूथलेस मीन्स किसी के बिहेवियर को लेकर के रूथलेस बिहेवियर, ठीक है। घास्टली तो ये सब हो गया। अगला देखिए सपोरिफिक, बहुत ही शानदार वर्ड है। सपोरिफिक क्या होता है? ऐसा दवा वगैरह यूज करते हैं जो सपोरिफिक होता है, यानी जिससे बहुत ज्यादा नीर आती है, ठीक है, उसको सपोरिक मेडिसिन कहते हैं। लेकिन देखते हैं फ्लैटरिंग, चापलूसी वाला, सिकेनिंग बीमार करने वाला, एक्साइटिंग उकसाने वाला, और लास्ट है स्लीप प्रोड्यूसिंग। तो यही होगा आंसर, स्लीप प्रोड्यूसिंग, है ना, नींद लाने वाली दवा अक्सर लोग खाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं इनविडियस। इनविडियस क्या होता है? सिनोनिम के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इरिटेबल, हार्श, सिनफुल और अनपॉपुलर। अनपॉपुलर मीन्स जो पॉपुलर ना हो, मतलब जो ऐसा हो जिसे हम ये मानते हैं कि बस बहुत कम लोग जानते हैं, है ना, अनपॉपुलर, जो पॉपुलर ना हो। अगला है सिनफुल। सिनफुल मीन्स जो पाप योग्य हो, है ना, बुरा। अगला है हार्श। हार्श बहुत कठोर। और है इरिटेबल। इरिटेबल मीन्स जो ज्यादा इरिटेट करे। और क्या होता है इनविडियस मीन्स? क्या होता है? इनवायस से बना है इनविडियस, और इनविडियस में होता है इरिटेबल। तो ये हो गया पहला इरिटेबल, ये आंसर। लास्ट देखते हैं, ये है पेन्यूरी। पेन्यूरी इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, डेस्टिट्यूट, डाइजेस्टिव, पेंशन और विगोरस। तो विगोरस, पेंसिव, पेंशन या फिर डाइजेस्टिव, नहीं, इसका होगा डेस्टिट्यूशन। पेन्यूरी मीन्स डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, अलग थलग, अलग। डेस्टिट्यूशन अलग होना, सेपरेट होना, डेस्टिट्यूट होना, ठीक है, इसका यही आंसर होगा। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगला सेशन लेकर के कल फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।